देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर सभी जिलों के अधिकारी अलर्ट हो गए हैं। इसके बचाव और सुरक्षा के साथ इलाज और भोजन आदि महत्वपूर्ण कार्यों में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। एक तरफ जहां जिला प्रशासन लोगों के स्वास्थ्य, भोजन और भविष्य में संभावित कोविड मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल की व्यवस्था पर जुड़े हैं, वहीं पुलिस प्रशासन रात दिन लोगों को घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने के लिए सड़क पर डटे हुए हैं। इस क्रम में आज दुमका के उपायुक्त राजेश्वरी बी ने राणेश्वर प्रखंड के क्षेत्र भ्रमण का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि नोवेल कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे विश्व भर में काफ़ी तेजी से प्रसार कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। नोवेल कोरोना वायरस का संभावित संक्रमण एवं प्रसार को देखते हुए सरकार द्वारा पूर्णतः तालाबंदी की स्थिति को अधिसूचित किया गया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रशासन सतर्क हो चुका है और आम लोगों को जागरूकता का परिचय देते हुए अपने आप को घरों में कैद कर लिया है। वहीं आम लोगों का घर से बाहर निकलना बंद हो गया है। चौक चौराहे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर लोगों को उठक बैठक कराते हुए सजा के रूप में चेतावनी भी दी गई। जिनके लिए है, जिनके लिए हर जगह दरवाजा बंद। हम लोग ये भी देखे हैं कि बाकी जगह 1-1.5 बजे तक लोग खाना खा के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ अभी तक मात्र 8-10 लोग ही आया है। जो लोग क्वारंटाइन में से जिनका पूरा हो गया उनको उनके घर जाना है। माइनिंग का अभी क्या सीन है? माइनिंग की गाड़ियाँ जा रही है क्या? माइनिंग तो जो लीगल पेपर वाला बढ़िया मिलता है। आज हम लोग रानेश्वर ब्लॉक के क्षेत्र भ्रमण किए। यहाँ पे सिद्धू कान्हू हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया गया है। उस हॉस्पिटल को कोविड केयर सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है। उसमें करीब 150 बेड्स हमारे कोविड के सस्पेक्ट्स और पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए रखा जाएगा। उसके अलावा दाल दीदी किचन सेंटर को भी देखा गया है और हम वेस्ट बंगाल और दुमका के बॉर्डर चेक पोस्ट भी निरीक्षण करने आए हुए हैं। तो काफ़ी सख्ती से लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन कराया जा रहा है। कोई भी व्हीकल बिना पास का आ रहा है तो उनको एंट्री नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ एसेंशियल गुड्स को एंटर करने के लिए अनुमति दिया गया है और बंगाल की तरफ का भी चेक पोस्ट यहाँ से दिख रहा है। तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी किया जा रहा है और इलीगल मूवमेंट को पूरे तरीके से रोका जा रहा है। इधर दुमका के पुलिस कप्तान वाईएस रमेश पूरे जिले की निगरानी बढ़ा दी है। बंगाल और बिहार से सटे सीमावर्ती इलाकों के साथ जिलों के सीमावर्ती इलाकों को सील कर विशेष निगरानी पुलिस द्वारा की जा रही है। खुद पुलिस कप्तान ऐसे आपदा से बचाव के लिए इलाकों में घूमते हुए नजर आए हैं और शहर के लोगों के खरीदारी और विक्रेता द्वारा तालाबंदी का बिना उल्लंघन कर सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए कार्य करने का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। वहीं इस वैश्विक महामारी से बचाव के लिए नगर के थानेदार गरीब लोगों को मास्क बांटकर अपने मानवीय कर्तव्य का परिचय भी दे रहे हैं। बहरहाल दुमका में जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन भी कोरोना के इस वैश्विक महामारी के लड़ाई में अपनी जान हथेली पर रख लोगों के बचाव में जुड़ गई है। मार्केट में कितना चल रहा है? 2 रुपये बढ़ा दिया है। ज़्यादा रेट पे नहीं बिक रहा है। लगाइए मास्क लगाइए। अरे बात करना।